विवश है अहिल्या, हम जाकर भी तुम्हें ये शुभेच्छा दे नहीं सकते कि कल प्रतियोगिता में तुम्हारी जीत हो। मतलब ही छोटी रानी तो हम जैसे गरीबों को खिलौना समझती है बस। अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ उसकी वजह से। We'll be right back.
इस तलवार का हत्था हमने पहले से ही कमजोर कर दिया है। कल प्रतियोगिता से पहले खंडेराव तुम्हारे सामने दोनों तलवारें रखेगा और तुम्हें ये वाली तलवार चुननी है। जैसे ही शारजा के हाथ से तलवार गिरेगी वैसे ही उसके डर से गर्दन अलग हो जानी चाहिए। इस खेल को समाप्त करने में ज्यादा समय मत लगाना। छोटी रानी साहब, आप इस तरह प्रतियोगिता को बीच में रोक नहीं सकती, और वो भी तब जब प्रतियोगिता का परिणाम आना था। परिणाम उस प्रतियोगिता का होता है गंगूबा काका, जिसमें दोनों प्रतियोगियों को बराबरी का मौका मिले। लेकिन अहिल्या, यहां मौका तो दोनों को बराबर का ही दिया गया है। ये कहां की बराबरी है छोटे सूबेदार जी? एक प्रतियोगी की तलवार टूट गई है और मालवा की सेना का भी यही उसूल है कि युद्ध में हम निहत्ते दुश्मन पर कभी भी वार नहीं करते। और फिर ये तो सिर्फ एक प्रतियोगिता है छोटे सूबेदार जी। आप सबको शारजा से कोई दुश्मनी नहीं है, आप सबको शारजा से डर है। हाँ, डर है आप सबको। डर है कि स्त्री पुरुष के समक्ष पुरुष के बराबरी में खड़े होने का डर, पुरुष की झूठी प्रतिष्ठा खोने का डर, कहीं एक आम साधारण स्त्री पुरुष के बराबरी में खड़ी हो गई तो क्या होगा? और इसीलिए आप सब यही सोच रहे हैं ना कि शारजा इस प्रतियोगिता में जल्द से जल्द हार जाए तो जान छूटी। छोटी रानी साहब, गंगूबा काका, अहिल्या ठीक कह रही है। एक मुकाबले में दोनों प्रतियोगियों को एक समान शस्त्र देना आवश्यक है। और हम सभी को बता दें, हम मुकाबले का हर नियम सख्ती से लागू करेंगे। शारजा को नई तलवार दी जाए। तुम्हें सिर्फ निडर होकर मुकाबला करना है। अपनी ताकत को कम मत आंको, अपनी शक्तियों को पहचानो।
तुम एक गृहिणी हो, एक आई जो एक जीव को जन्म देती है, बस निडरता से लड़ो तुम, समझी? हार जीत शिव शंभू पर छोड़ दो और युद्ध को भी कर्म की तरह करो। हर हर महादेव। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।